4.2 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। कहता है y बराबर दिया गया 3x + 5, 3x प्लस है, 3x + 5। कहता या एक वो द्वितीय हल है, केवल दो हल है, या वो परिमित रूप से अनेक हल है। देखते हैं इधर मेरा 5 ये प्लस इस पर लगाएंगे क्या होगा, माइनस। y इधर मेरा प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 3x - y = -5 लिख सकते हैं। चलिए एक कंडीशन बनाते हैं, हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं x, इसको y। अगर x का मान रखेंगे तो यहाँ से y का मान आएगा, ऑटोमेटिक है। अगर y का मान रखते हैं तो x का मान आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए y का मान यहाँ कितना रखे, कितना रखे जी, कि यहाँ y का मान इधर माइनस से इधर आने पर ये प्लस होगा, लेकिन 5 में घटाने या जोड़ने पर 3 से कटने वाली संख्या हो जाए, 3 से कटने वाली संख्या हो जाए, तो कैसा मान रखे यहाँ पर। टेंथ में दिया गया तोड़ तोड़ कर, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया तोड़ तोड़ कर। चलिए देखिए, अगर यहाँ y का मान रखेंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। चलिए हम यहाँ x का ही मान रखते हैं 1, x का ही मान रखते हैं 1, जहाँ x है वहाँ x की जगह 1 रख देते हैं, माइनस y तो रहेगा -5। चलिए 3 × 1 करेंगे, 3 - y = -5, इधर 3 प्लस है, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, -y = -, +5 3 और -, y का मान कितना आया, 8। y का मान 8। चलिए आगे देखते हैं, 3x - y = दिया गया -5, अभी x का मान रखे 1, x का मान 1, अभी यहाँ x का मान रखते हैं 2, कितना रखते हैं 2। चलिए x का मान जहाँ x है वहाँ x का मान रख देते हैं -5, 3 × 6 - y = -5। चलिए इधर मेरा माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हुआ, 6 5। अगर इसी तरह अगर संख्या हमारा बढ़ते रहेगा तो यह संख्या बढ़ते जाएगा, क्या होगा, संख्या बढ़ते जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यह परिमित रूप से क्या अनेक हल है, तो इसका आंसर क्या होगा, परिमित रूप से अनेक हल है, यहाँ लिख सकते हैं और परिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। इसका आंसर क्या होगा, अनेक हल है, ठीक मारना है ना, हाँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसका मान तो हम 2 बार रखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम 2 ही बार रखें, और भी रख सकते हैं 4 बार 5 बार 6 बार, इसका अनेक रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। कहाँ तक हम रखेंगे मान, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनेक हल है।